हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शिवरात्रि की भोग के लिए, जो कि हमने भगवान शिव को लगाना है। इसके लिए 2 कटोरी मखाना, इसको आप रोस्ट कीजिए 2 या 3 मिनट के लिए। ये देखिए ऐसे रोस्ट करना है। ये देखिए रोस्ट हो चुके हैं, ऐसे आप तोड़ के देख सकते हो इसको। ये देखो बिल्कुल टूट रहे हैं। जब ऐसे टूटना शुरू हो जाए तो समझो रोस्ट हो चुके हैं। अभी हमने इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेना है थोड़े सी, ताकि ठंडे हो जाए। ये देखिए हम प्लेट में निकालेंगे इसको। प्लेट में निकालने के बाद अभी हमने क्या करना है, आधी कटोरी मूंगफली दाना लेना है। आप रोस्टेड भी ले सकते हो जो कि मार्केट से मिलती है, ये हम खुद रोस्ट कर रहे हैं। ये देखिए 2 या 3 मिनट में रोस्ट हो गई। जब ऐसे छिलके उतरने शुरू हो जाते हैं तो समझो रोस्ट हो चुकी है। अगर आप छिलके ना भी उतारो तो भी चलेगा, आप ऐसे ही पीस सकते हैं। ये देखिए हम ऐसे पीसेंगे अभी। और आधी कटोरी किशमिश, जो कि थोड़ी सी ब्लैक कलर में है, वो डाल रहे हैं। अभी हम मखाना को पीसेंगे जो कि हमने पहले रोस्ट किए थे। अभी हम कढ़ाई में 1 गिलास दूध का डालेंगे। अभी दूध थोड़ा सा गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद हमने इसमें आधी कटोरी चीनी की डालनी है। आधी कटोरी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमने किशमिश डाली है वो भी मीठी होती हैं, और ये चीनी भी मोटी वाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा डालना चाहते हो तो आप 1 कटोरी भी डाल सकते हो। अभी चीनी घुल चुकी है, तो अभी हम इसमें जो मखाना को पीसा था वो हम उसका जो बुरादा है वो हम डाल रहे हैं। ये देखिए इसको 2 या 3 मिनट पे मीडियम फ्लेम पे भूनना है। अभी हमने मूंगफली और जो किशमिश पीसी थी उसका मिक्सचर भी हम इसमें डाल रहे हैं। जो तीनों इकट्ठे हो गए, हमने तीनों को ही अच्छी तरह से हिलाना है ताकि जो दूध है वो सूख जाए। और 1 मलाई चम्मच डालना है। 1 मलाई चम्मच डालने का मकसद ये है कि अगर आपके पास देसी घी नहीं है, क्योंकि मलाई से देसी घी बन जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत ही भीनी भीनी आएगी देसी घी की, तो आपको देसी घी डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल दूध सूख चुका है। ये देखिए ये मिक्सचर बहुत ही अच्छा बन चुका है। अभी हम इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। थाली में आपने ऑयल लगाना है ताकि ये चिपके ना। ये देखिए हमने थाली में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसमें ऐसे सारा ट्रांसफ़र कर लेना है। आप इसको 2 घंटे के लिए बाहर भी रख सकते हैं, या फिर 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं। फ्रीजर में 1/2 आवर में हो जाएगा। ये देखिए अभी हम इसको फैला देंगे सारा। ये देखिए फैल चुका है। और मेरे पास ये खरबूजा के बीज पड़े थे, वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, आप मूँगफली पीस के भी डाल सकते हो इसके ऊपर, अगर कुछ नहीं है तो भी चलेगा। ये देखिए अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी देखिए फ्रिज में 1/2 आवर के लिए रखा था फ्रीज़र में। ये देखिए बिल्कुल वो मिक्सचर जम चुका है मिठाई वाला। अभी हम इसको मनचाही शेप में काट लेंगे। आप किसी भी शेप में काट सकते हो, जो भी शेप आपको अच्छी लगती है। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ये देखिए हमने सारी बर्फ़ी काट ली है। ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल घर की चीज़ों से बनी है, कुछ भी बाहर का नहीं मंगवाना पड़ा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और क्रीमी लग रही है। ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ये फ्रेंड्स आपके लिए शिवरात्रि के लिए बर्फी सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।